हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फार्मूला फॉर द अनइक्वल इंटरवल। स्टूडेंट, इससे पहले मैं आपको सामने इक्वल इंटरवल के लिए जो इंटरपोलेशन के फार्मूले न्यूटन फॉरवर्ड बैकवर्ड, उसके बाद फिर मैंने जो सेंट्रल डिफरेंस उसके लिए आपको मैंने गॉस फॉरवर्ड गॉस बैकवर्ड स्टिलिंग और बेसल्स फार्मूले के ऊपर वीडियोस बनाया और आप यहाँ आईटीए पे यहाँ पे आप जाके मेरे वीडियोस देख सकते हैं। प्लस मैंने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पे और बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, उसकी भी प्लेलिस्ट है, आप यहाँ आईटीए पे जाके या लास्ट स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। सो स्टूडेंट, देखिए आप यहाँ पे लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फार्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल को कैसे हम यूज करते हैं। सबसे पहले हम ये चेक कर लें कि वाकई में ये अनइक्वल इंटरवल है या नहीं है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे इसका डिफरेंस 1 आ रहा है, फिर डिफरेंस 3 आ रहा है, फिर डिफरेंस 2 आ रहा है, वाकई में ये अनइक्वल इंटरवल है। और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट, यहाँ पे 10 पे आपको ये पता लगाना है कि वाई की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो हम इसको एफ एक्स मान लेते हैं, है ना। अब मैं आपको बताऊंगा कि स्टूडेंट यहां पे फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ट्रिक समझाऊंगा, उस ट्रिक को अप्लाई करो, 2 मिनट में फार्मूला याद हो जाएगा, राइट। कैसे, देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू क्या करना है स्टूडेंट, इसको छुपाओ, एक्स माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 11, एक्स माइनस 9 एक्स माइनस 6 एक्स माइनस 9 एक्स माइनस 11, जिसको छुपाया उसको इस x की जगह रख दो, इंटू दिस। समझ में आया कि नहीं आया, एक और बार समझाता हूं। अगला, इसको छुपाओ, अब किसको इसको छुपाएंगे, x माइनस 5 x माइनस 9 x माइनस 11 डिवाइडेड बाय, जिसको छुपाया उसको रख दो यहां पे, x माइनस 5 x माइनस 9 x इंटू दिस प्लस, अब इसको छुपाओ, x माइनस 5 x माइनस 6 x माइनस 11, जिसको छुपाया उसको x की जगह रखो, 9 माइनस 5 9 माइनस 6 9 माइनस 11 इंटू दिस 14 प्लस, अब इसको छुपाओ कितना आएगा, x माइनस 5 x माइनस 6 x माइनस 9 डिवाइडेड बाय, कितना आएगा यहाँ पे, 11 माइनस 5 11 माइनस 6 11 माइनस 9 इंटू 16। अब स्टूडेंट आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपसे पूछ रहा है कि 10 की वैल्यू निकालो, तो जहां पर भी एक समा कितना रख देंगे हम, 10 रखिए स्टूडेंट। जैसे यहां 10 रखेंगे तो 10 में से 6 गया तो कितना बचा, 4। यहां 10 रखेंगे तो 10 में से 9 गया तो कितना बचा, 1। यहां 10 रखेंगे तो 10 में से 11 गया तो माइनस 2 डिवाइडेड बाय माइनस 1 माइनस 4 माइनस 6 इंटू 12। फिर 10 यहां रखेंगे स्टूडेंट तो ये आएगा 5, 10 यहाँ रखेंगे तो यह आएगा 1, फिर 10 यहाँ रखेंगे तो माइनस 1, यह आएगा 1, माइनस 3, माइनस 5, देन 13। फिर स्टूडेंट 10 यहाँ रखिए कितना आएगा, 5, 4, माइनस 1, यहाँ आएगा ये 4, देन यह आएगा आपके पास 3, देन यह आएगा आपके पास माइनस का 2, देन 14। फिर 10 वहाँ रखिए आप, यह आएगा आपके पास 5, 4, 1, 10, ये 11 माइनस 5 कितना हुआ स्टूडेंट, 6, देन ये आएगा आपके पास 5, देन ये आएगा आपके पास 2 इंटू 16। अब क्या करिए, माइनस देखिए कितने माइनस आ रहे हैं, 1, 2, 3 और 4, 4 माइनस आ रहे हैं, मतलब 4 टाइम माइनस आ रहा, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब कैंसिल करो, 4 से 4 कैंसिल, 6 टू जा 12, कितना आया स्टूडेंट, ये 4 आया, राइट। अब यहाँ माइनस गिनिए कितना आ रहे, 1, 2, 3, है ना, तो माइनस आएगा, राइट, है ना। इवन टाइम है तो प्लस, ऑड टाइम है तो माइनस, 5 से 5 कैंसिल, सो स्टूडेंट ये आया आपके पास 13/3, माइनस गिनिए कितने, 1 और 2, तो मतलब प्लस आएगा, है ना। 4 से 4 कैंसिल, देन 2 कितना आया यहाँ पे, 7, दैट इज 35/3। नाउ यहाँ तो सब प्लस ही आ रहे हैं तो ये प्लस ही होगा, राइट। नाउ कितना है स्टूडेंट, 5 से 5 कैंसिल, 2 से कितना हुआ ये देन ये हुआ आपके पास 3, सो दिस इज 16/3, तो ये बाय थ्री कितना देख लीजिए आप, है ना। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे अपन 4। सो स्टूडेंट यहाँ पे ये माइनस 13/3 है, 35/3 और 16/3 है, तो 13/3 में से 16/3 गया तो 3/3 आ रहा है ना, दैट इज 1, 33/3 मतलब 1 हो गया, 5, है ना। तो ये आप उसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो 50/3 आएगा, दैट इज आपके पास आएगा 14.666 आपका आंसर आएगा। तो इस तरह से हम न्यूटन फॉरवर्ड लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फार्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल यूज करते हैं। अब कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट, यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है और आपसे पूछेगी यूज द न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 10, राइट। तो अनइक्वल इंटरवल के लिए मैंने आपको बताया था न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला भी होता है जिससे हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं आपके सामने इसी क्वेश्चन को बताऊंगा कि न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। तो अपन उससे भी इस क्वेश्चन को करके देखते हैं।
सो स्टूडेंट्स यहां देखिए इस क्वेश्चन को हम न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस से कैसे यूज करेंगे, तो मैं आपको टेबल बनाना सिखाता हूं। न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा हटके है, तो मैं आपको समझाता हूं। ये आपका एफ एक्स मान लीजिए इसको, है ना, तो आपको यहां दे रखा है 5, 6, 9, 11, ये दे रखा है आपको 12, 13, 14 और 16। सबसे पहले हम निकालेंगे यहां पे डेल एफ एक्स, राइट। तो यहां डेल एफ एक्स कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, दिस माइनस दिस 13 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 5, ये दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय ये दोनों का डिफरेंस, तो स्टूडेंट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब इसको देखो 14 माइनस 13 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 6, तो स्टूडेंट कितना आया, ये हमारे पास 1/3 आया, राइट। नाउ इसको देखिए आप, 16 माइनस 14 डिवाइडेड बाय 11 माइनस 9, तो बेटा यहां से इसका डिफरेंस कितना आ रहा है आपके पास, 2 आ रहा है, यहां से भी 2 आ रहा था, यहां से इसकी वैल्यू कितनी हुई, 1, है ना। नेक्स्ट देखिए आप क्या आएगा यहां पे, डेल स्क्वायर एफ एक्स, अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 1/3 माइनस 1, और इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 9 माइनस 5। ये थोड़ा समझने की जरूरत है, ये दोनों का और डिवाइडेड बाय ये दोनों का, एक बीच में गैप करना है ना। नाउ कितना आएगा देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो 3, और यह आपके पास, मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो आपके पास आएगा माइनस का 2/3, और नीचे बच रहा आपके पास 4, तो ये -2/12 दैट इज इक्वल टू माइनस का 1/6 आएगा, है ना। नाउ इसको देखिए आप क्या करेंगे, अपन 1 माइनस 1/3 दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय 11 माइनस 6, है ना, इन दोनों का डिफरेंस, ये आएगा 11 माइनस 6, तो ये आएगा कि आपके पास 2/3, और नीचे आ रहा है आपके पास 5, है ना, तो ये आएगा 2/15, है ना 2/3 आएगा और नीचे आ रहा 5, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 15 हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखेंगे आप अगला क्या आएगा यहाँ पे, डेल क्यूब एफ एक्स, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा स्टूडेंट, 2/15 डिफरेंस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय इन दोनों का डिफरेंस, राइट, है ना, दो का गैप छोड़ेंगे अपन, तो कितना आएगा 11 माइनस 5, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी यहाँ पे, है ना। मैं एक मिनट थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा हेल्प लेना पड़ेगा इसका, तो इसकी जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आएगी 1/20, है ना। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 1/20। अब ये हमारे पास न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला है, तो स्टूडेंट कैसे यूज करते हैं, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, है ना। आप यहाँ पे x0 किसको मानेंगे बेटा, ये हमारा x0 है, ये हमारा x1 है, ये हमारा x2 है, और ये हमारा x3 है। तो x0 कौन है, 5 है, ये हमारा 5 है, तो ये हमारा fx0 होगा, ये हमारा डेल एफ एक्स जीरो होगा, ये हमारा डेल एफ एक्स डेल स्क्वायर एफ एक्स जीरो होगा, और ये हमारा डेल क्यूब एफ एक्स जीरो होगा। तो स्टूडेंट देखिए आप किसकी वैल्यू निकालेंगे हम, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स जीरो, एफ एक्स जीरो की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 12 है। नाउ प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो, सो एक्स माइनस क्या आएगा, एक्स जीरो कितना है, 5 इंटू डेल एफ एक्स जीरो, सो डेल एफ एक्स जीरो कितनी वैल्यू है स्टूडेंट, 1 है। नाउ एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 6, है ना, एक्स माइनस एक्स 1 डिवाइडेड बाय कुछ नहीं आएगा, डेल स्क्वायर x0 कितना आएगा स्टूडेंट, माइनस का 1/6। नेक्स्ट x माइनस 5, x माइनस 6 एंड x माइनस 9, है ना, इनटू नेक्स्ट टर्म क्या आएगी हमारे पास, 1/20 आएगी। अब स्टूडेंट आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे 10 की निकालनी, तो जहां पर भी x वहां क्या रख दीजिए आप 10, तो ये तो आपका 12 आएगा, 10 रखेंगे तो 10 में से 5 गया तो 5, और सिंप्लीफाई करने पर ये आएगा 5। नाउ यहाँ 10 रखेंगे तो 10 में से 5 गया तो 5, 10 में से 6 गया तो 4, और ये आएगा आपके पास इनटू माइनस का 1/6। नाउ यहाँ 10 रखेंगे तो ये आएगा आपके पास 5, 4, देन ये आएगा 1 इनटू 1/20, और स्टूडेंट आप इसको जैसे ही सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा, मैं यहाँ बता दूँ, ये आएगा 12, ये आएगा 5, और ये आएगा 20/6, है ना। तो आपके पास ये वैल्यू आएगी माइनस का 20/6, एंड यहाँ से वैल्यू आएगा 20 दैट इज इक्वल टू 1, है ना। तो 12 और 5 कितना होगा स्टूडेंट, 12 एंड 5 17 दैट इज 18, है ना, 18 माइनस ये आएगा आपके पास 10/3, है ना, बिकॉज 2 से कैंसिल हो रहा है, और ये आएगा 18 माइनस 3.333, सो दिस इज आएगा 14.666। सो स्टूडेंट इस तरह से इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है, जैसे हम लैग्रेंज से निकाला था वो कभी फार्मूला हमारा न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस आ रहा है। तो कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन से टाइप से पूछ ले तो आपको करना आना चाहिए। तो मैं आपके सामने एक दो क्वेश्चन लूंगा लैग्रेंजेस पे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे।
स्टूडेंट कभी कभी एग्जाम में हमें ये भी पूछ लिया जाता है कि आपको बोलेगा यूज लैंग्रेजेस इंटरपोलेशन फार्मूला टू फिट द पॉलीनोमियल टू द फॉलोइंग डेटा एंड आपसे ये वैल्यू पूछ रहा है, राइट है ना, वैल्यू तो पूछ ही रहा है साथ में पॉलीनोमियल भी निकालनी है ना, तो कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे हम, एफ एक्स इज इक्वल टू है ना, वही सेम इसको छुपाएंगे, x माइनस जीरो इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाय कितना आएगा, जहां पर x वहां माइनस वन रख दीजिए स्टूडेंट, माइनस वन माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री इंटू माइनस एट प्लस, अब क्या करेंगे किसको छुपाएंगे हम, इस सबसे पहले हमने किसको छुपाया, माइनस वन को छुपाया, अब जीरो को छुपाएंगे ना, तो ये आएगा x माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, और जहां पर भी x वहां जीरो रखेंगे तो ये आएगा जीरो माइनस टू इंटू जीरो माइनस थ्री इंटू, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो थ्री आएगी। नेक्स्ट अब इसको छुपाएंगे अपन तो ये आएगा x प्लस वन एक्स माइनस जीरो एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाय कितना आएगा, यहाँ पे जहाँ पर भी x वहाँ टू रखेंगे तो टू प्लस वन टू माइनस जीरो टू माइनस थ्री इंटू वन प्लस, इसको छुपाएंगे अपन तो ये आएगा x प्लस वन एक्स माइनस जीरो एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाय जहाँ पर भी x वहाँ थ्री रखेंगे तो थ्री माइनस जीरो 3 माइनस टू इंटू टू। अब स्टूडेंट यहाँ पे पॉलीनोमियल निकालना, तो यहाँ पे x की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, इसको सॉल्व करिए x में है ना, सो एफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए आप यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, ये दोनों टर्म कॉमन आ रही है, देख रही है ये वाली, तो इसको कॉमन ले लीजिए तो x माइनस टू एक्स माइनस थ्री कॉमन आ रहा है, अंदर कितना बच रहा है सिर्फ x, और ये माइनस एट है तो मैं लिख दूँ इसको माइनस एट एक्स, और यहाँ इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट, ये माइनस वन आएगा, ये माइनस थ्री आएगा, ये माइनस फोर आएगा, राइट, और यहाँ से हमने इसको कॉमन निकाला तो स्टूडेंट ये आएगा थ्री एक्स प्लस वन, यहाँ बच रहा है वन माइनस टू एंड माइनस थ्री प्लस, अब देखिए यहाँ पे भी कुछ कॉमन आ रहा है तो वो कॉमन निकाल दिए, दोनों टर्म कॉमन आ रही है तो इसको कॉमन निकाल लीजिए एक्स एक्स प्लस वन, तो यहाँ बच रहा है आपके पास एक्स माइनस थ्री, ये आ रहा है थ्री, ये आ रहा है टू, ये आ रहा है माइनस वन, और यहाँ बच रहा आपके पास टू इंटू एक्स माइनस टू, तो ये बच रहा आपके पास फोर इंटू थ्री इंटू वन, राइट, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा स्टूडेंट, तो ये आएगा एफ एक्स, इसको मल्टीप्लाई करिए एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स आएगा, नाउ इसको करेंगे तो माइनस 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 चार बार आ रहा है तो ये प्लस हो जाएगा, और फोर टू ज़ा एट, तो ये आएगा आपके पास टू एक्स अपॉन थ्री, नाउ इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो कितना आएगा स्टूडेंट थ्री, चलो इसको ऐसे रहने दो, ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है, थ्री से थ्री क्या हो रहा है स्टूडेंट कैंसिल हो रहा है, तो ये आएगा x प्लस वन अपॉन टू, नाउ ये आएगा x स्क्वायर प्लस एक्स, स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो रहा है देखो ये माइनस आ रहा है तो ये आएगा माइनस का x माइनस थ्री डिवाइडेड बाय सिक्स, देन यहाँ पे कैंसिल हो रहा है टू से तो ये भी आ रहा है आपके पास प्लस का x माइनस टू अपॉन सिक्स, तो देखिए स्टूडेंट क्या होगा हम इसका एलसीएम लेंगे तो एफ एक्स इज इक्वल टू ये आएगा x स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, इसका जो एलसीएम आएगा वो सिक्स आएगा, देन ये होगा 4x प्लस 3x प्लस 3 नाउ प्लस x स्क्वायर प्लस x, यहाँ पे भी हम 6 वैसे एलसीएम आ रहा है स्टूडेंट तो यहाँ पे आएगा आपके पास माइनस x प्लस 3 प्लस x माइनस 2 एक्स एक्स कैंसिल हो रहा है, थोड़ा सिंप्लीफाई करिए आप इसको, सो एफ एक्स इज इक्वल टू यह आएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू यहाँ पे कितना हो रहा है स्टूडेंट ये 7x प्लस 3 अपॉन 6 आ रहा है, नाउ इसको मल्टीप्ल सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स और ये आपके पास हो रहा है वन तो ये अपॉन सिक्स आ रहा है, नाउ अब क्या करेंगे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए आप तो आपके पास जो एफ एक्स की वैल्यू आएगी क्या आएगी, देखो सबसे पहले वन बाई सिक्स को बाहर निकाल दीजिए है ना, ये सेवन जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा सेवन एक्स क्यूब, नाउ ये जब सेवन इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा माइनस का थर्टी फाइव एक्स स्क्वायर है ना, और एक्स स्क्वायर की टर्म हमारे पास यहाँ पे भी आ रही है स्टूडेंट है ना, और ये एक्स स्क्वायर जब इससे मल्टीप्लाई हो तब भी आएगा, तो चलो मैं सीधा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ यहाँ पे आपके पास वैल्यू, तो टाइम नहीं है अपने पास, सो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी सेवन एक्स क्यूब माइनस थर्टी वन एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी एट एक्स प्लस एटीन डिवाइडेड बाय सिक्स। अब आपसे ये वैल्यू पूछ रहा है कि फाइंड माइनस टू, तो हम क्या करेंगे जहाँ पर भी एक्स है वहाँ माइनस टू रख दीजिए, माइनस टू रखेंगे स्टूडेंट तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी माइनस थर्टी सिक्स पॉइंट थ्री, जब हम वन रखेंगे है ना क्या रखेंगे यहाँ पे एफ वन, मतलब वही अल्टीमेटली ये वैल्यू वही हो रही है y माइनस टू ही हो रहा है, देन ये y वन और इसकी वैल्यू रखेंगे जहाँ पर एक्स वहाँ वन रखेंगे स्टूडेंट तो ये आपके पास वैल्यू आएगी थ्री पॉइंट सिक्स सिक्स सिक्स, और जैसे ही आप y की वैल्यू फोर रखेंगे स्टूडेंट तो वही जहाँ पर एक्स वहाँ फोर रखना पड़ेगा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपके पास,
सो स्टूडेंट इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। मैं एक और क्वेश्चन लूंगा यहाँ पे लास्ट और उस पर बताऊंगा कि इनवर्स लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फार्मूला मतलब लैग्रांजेस की हेल्प से इनवर्स इंटरपोलेशन फार्मूला कैसे यूज करते हैं। सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे इनवर्स लैग्रांजेस फार्मूला टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन वाई इज गिवन। तो इस पर क्वेश्चन देखिए, अप्लाई द लैग्रांजेस फार्मूला इनवर्सली टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन वाई इज इक्वल टू 19 गिवन द फॉलोइंग राइट। अभी आपको क्या हो रहा था कि इस वैल्यू के लिए ये निकालने के लिए बोला जा रहा था, अब आपको ये वैल्यू के लिए ये निकालना, मतलब अगर आपको y 19 दे रखा है तो x कैसे निकालेंगे ना, इसको इनवर्स यूज करना है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, आप हम ये लिखेंगे x है ना, पहले हम लिखते थे fx, अब लिखेंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है ना, तो क्या करेंगे इसको छुपाएंगे, पहले हम इसको छुपा रहे थे अब इसको छुपाएंगे, तो कितना आएगा y माइनस 1 y माइनस 20 है ना, पहले क्या हो रहा था x माइनस है ना, अभी y माइनस होगा, किसको छुपाया जीरो को छुपाया, तो जीरो माइनस 1 जीरो माइनस 20 इंटू कितना आएगा जीरो, फिर हम इसको छुपाएंगे तो कितना आएगा y माइनस 0 y माइनस 20 देन 1 माइनस 0 1 माइनस 20 इंटू कितना आएगा स्टूडेंट 1, ये वाला है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्लियर है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस, अब इसको छुपाएंगे तो कितना आएगा y माइनस 0 y माइनस 1 देन 20 माइनस 0 20 माइनस 1 इंटू कितना आएगा यहाँ पे 2 आएगा ना, ये मल्टीप्लाई में होगा, पहले ये मल्टीप्लाई में जा रहे थे राइट। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी, x एट y इज इक्वल टू कितना आएगा 19 है ना, तो जहाँ पर भी y वहाँ के रखेंगे 19, पर स्टूडेंट ये तो जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा था, पूरा क्या हो जाएगा ये जीरो हो जाएगा, यहाँ y की जगह हम क्या रखेंगे 19, नाउ 19 माइनस 20 कितना आएगा स्टूडेंट माइनस 1, नीचे तो 1 ही आ रहा है और ये कितना आ रहा है माइनस का 19 इंटू 1 प्लस, यहाँ पे y की जगह क्या रखेंगे अपन 19 माइनस 1 कितना आएगा स्टूडेंट 18, ये आएगा 20 देन ये आएगा 19 इंटू ये कितना आएगा आपके पास 2। नाउ इसको सिंप्लीफाई करिए स्टूडेंट, माइनस माइनस दो बार आ रहा था ये प्लस हो जाएगा, 19 से 19 कैंसिल 1, नाउ ये तो सब प्लस ही आ रहा है, ये से ये कैंसिल 2, तो ये कितना आएगा 10, तो ये आएगा 18 बाय 10 तो आएगा 1 प्लस 1.8 दैट इज इक्वल टू 2.8। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। सो द आंसर इज 2.8 और इसको इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट मैंने आपको इस वीडियो का थोड़ा रिकैप कर देता हूँ कि मैंने यहाँ पे आपको सिखाया था लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फार्मूला फॉर द अनइक्वल इंटरवल, और कभी कभी अनइक्वल इंटरवल के लिए न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस भी पूछ लिया जाता, तो मैंने एक क्वेश्चन जो बताया उसमें मैंने दोनों फार्मूले से बताया कि लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फार्मूले से भी बताया और आपको न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस भी बताया, दोनों से इसका आंसर लगभग सेम आया था। और उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि कैसे हम पॉलिनोमियल निकालते हैं बाय द हेल्प ऑफ लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फार्मूला, फिर मैं जो लास्ट क्वेश्चन सिखाया जिसमें आपको सिखाया कि इनवर्स लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फार्मूला कैसे यूज करते हैं। तो स्टूडेंट आपको मेरी वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे होंगे, और प्लीज़ अगर अच्छे लग रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करिए, सो दैट कि मेरे को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले यहाँ पे और मैं आपको और भी अच्छा कंटेंट लेके आऊँ। और जो स्टूडेंट्स की डिमांड हो रही है कि सर रियल आंसर्स लेके आइए या फिर लीनियर अलजेब्रा लेके आइए, सो स्टूडेंट मैं प्योर भी लेके आने वाला हूँ बहुत जल्दी, सो प्लीज़ आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए क्योंकि अभी मेरे पास जो कंटेंट है जैसे जैसे टाइम मिल रहा है वैसे वैसे मैं आपको बनाता जा रहा हूँ, और भी जो कंटेंट है वो मैं बहुत जल्दी आपके सामने लेके आऊँगा। और मेरे जो वीडियोज़ हैं, अगर आप जो स्टूडेंट नए हैं और जो नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है जो लास्ट में स्क्रीन पर आ रही है, यहाँ पर सभी वीडियोज़ डले हुए हैं, आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स या BSc के लिए मैथमेटिक्स का आप कोई भी टॉपिक की प्रिपरेशन करें तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, और इससे पहले जो मैंने टॉपिक्स डाले वो भी यहाँ लास्ट में आ रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू।